गाजियाबाद के साहिबाबाद पुलिस ने एक फर्जी एडीएम को गिरफ्तार किया है। एडीएम का आरोप है कि वह जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को एडीएम बनकर फोन कर कार्य कराने की धमकी भी दी है। शक है कि जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो एडीएम फर्जी निकला। एडीएम सिटी श्लोक कुमार ने बताया कि पवन पांडे नामक एक युवक को साहिबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो अपने आप को एडीएम आगरा बताकर आला अधिकारियों व जिला प्रशासन के अधिकारियों को फोन कर कार्य कराने के लिए फोन किया करता था। शक होने पर एडीएम की जांच कराई गई तो मामला बिल्कुल फर्जी निकला और एडीएम बनकर फोन करने वाला शख्स दिल्ली निवासी एक ग्रेजुएट पवन पांडे नामक युवक है। पकड़े गए फर्जी एडीएम से पूछताछ की जा रही है, उसने अब तक कितने लोगों को फोन किया था और क्या क्या कार्य कराए थे। क्या सर, आइडिया कैसे आया एडीएम बनने का, बता दो। सपना नहीं सर, तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए। हाँ, प्री मेंस हुआ था, इंटरव्यू नहीं हुआ। कितने पढ़े हुए, क्वालिफिकेशन क्या? MBBA। कहाँ से किया? इलाहाबाद से। अच्छा, रहने वाले कहाँ पे? इलाहाबाद। डीएम सर के भैया कैसे बन गए भैया? डीएम सर का घर मेरा घर 5 किलोमीटर दूरी, वो आपको जानते भी नहीं? जान। सर, एक फर्जी नटरलाल एडीएम गिरफ्तार किए गए गाजियाबाद की पुलिस द्वारा, क्या कुछ इनके द्वारा प्रकरण सामने आया था और किस तरह से पुलिस इनको गिरफ्तार किया? गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों अधिकारियों के पास एक व्यक्ति का फोन आ रहा था, जो कि अपना नाम पवन पांडे बता रहा था और साथ ही ये कह रहा था कि वो आगरा जनपद में बतौर एडीएम तैनात है और वो फिर किन्हीं किन्हीं मामलों में इन अधिकारियों से सिफारिश करता था। इस फोन पे जब कुछ लोगों को संदेह हुआ तो फिर इसमें तमाम जानकारी निकाली गई तो मालूम चला ये पवन पांडे नाम का कोई भी एडीएम आगरा जनपद में नहीं है और फिर इस व्यक्ति को ट्रेस किया गया तो ये दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है। नाम इसने अपना सही बताया था, इसका नाम पवन पांडे ही है, मूल रूप से इलाहाबाद का रहने वाला है। ये इसने बीए और बीएड कर रखा है और ये एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा है और वहीं से इसे ये आइडिया आया कि ये लोगों को अधिकारी बन के फ़ोन करे और उससे अन्य लोगों का काम करवाए। सर, क्या इस तरह की प्रकरण अभी तक सामने आए कि इन्होंने फर्जी एडीएम बन के कॉल किया हो और उन कामों को इन्होंने अधिकारी को दबाव बनाकर कराया हो? नहीं, ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं सामने आया है। हालांकि इसने कॉल कई लोगों को कर रखा है और उन लोगों को हम अलग से भी बता रहे हैं, यहाँ इस जनपद में जो भी कॉल आए थे उनको संदिग्ध मानते हुए थाना साहिबाबाद की टीम को इसमें लगाया गया था, जिसके क्रम में इसकी गिरफ्तारी। सर, पूरे यूपी में इस तरह के कई मामले सामने आए जिसमें फर्जी नटरलाल आईएएस आईपीएस बनकर अधिकारियों को फोन किया जाता है, तो इस तरह के नेट, ये एक पूरा नेटवर्क है या किस तरह से लोग आईएएस या आईपीएस अपने आप को बताकर काम कराते हैं? देखिए, ऐसे सही बात है कि कई मामले ऐसे सामने आए हैं पर ये वन ऑफ इंसिडेंट्स रहते हैं, एक नेटवर्क का होना इसमें नहीं पाया गया। हर में बिल्कुल अलग अलग लोग रहते हैं, कहीं कोई एग्जाम देने वाला व्यक्ति रहता है जो कि दुष्प्रेरित हो जाता है और उसके बाद ऐसी घटनाएं करता है, कहीं कोई ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें पावर की ललक रहती है, वो ऐसा प्रयास करते हैं। ऐसा कोई नेटवर्क नहीं सामने आया, ये वन ऑफ इंसिडेंट्स है और मेरी ये अपील भी रहेगी लोगों से कि ऐसी दुष्प्रेरणा के इसमें ना आए और कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जो कि आपके करियर को, आपके भविष्य को बर्बाद कर सके।